दुनिया में जिस रफ्तार से मंकी पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे स्थिति भारत में नहीं आई है, लेकिन इसके 4 मामले आने के बाद चिंता बढ़ गई है। इसलिए मंकी पॉक्स की वैक्सीन को लेकर लोगों में जिज्ञासाएं बढ़ गई है। इन सब के बीच वैक्सीन किंग कहलाने वाले आदार पूनावाला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने NDTV से बात करते हुए आपात स्थिति में मंकी पॉक्स से बचने के लिए स्मॉल पॉक्स या चेचक के टीके को लगाया जा सकता है के बारे में जानकारी दी। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपना पैसा लगाकर डेनमार्क की एक कंपनी से स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लाखों डोज खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि अगर देश में बड़े पैमाने पर मंकी पॉक्स के मामले बढ़ते हैं तो आपात स्थिति में इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीने में डेनमार्क की बावेरियन नॉर्डिक कंपनी से वैक्सीन की पहली खेप हमारे पास आ जाएगी। आदार पूनावाला ने कहा कि मंकी पॉक्स के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक मैसेंजर RNA या फिर mRNA वैक्सीन विकसित कर रहा है। इस वैक्सीन के निर्माण में नोवावैक्स ग्लोबल पार्टनर है। हालांकि इसमें एक साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। पूनावाला ने कहा डेनमार्क की कंपनी बावेरियन नॉर्डिक से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन 3 माह में भारत में आ सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट के पास लाइसेंस के तहत थोक में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि हालांकि हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन अंततः इसका निर्णय भारत सरकार को विशेषज्ञों के साथ बातचीत के बाद लेना होगा। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की तरह हमारे पास भी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बहुत कम है, इसलिए हम इसका आयात करने के लिए अपने तरफ से पैसा लगा रहे हैं। धीरे धीरे सरकार को हेल्थ पॉलिसी पर निर्णय लेना है।